हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। आज आपके साथ मैं दोस्तों शेयर कर रहा हूँ अपनी सेम प्लांट के ऊपर कि इसमें जो इतनी अच्छी जिसमें ग्रोथ निकल के आ रही है, साथ में जिसके फ्रूट्स हैं वो इतने अच्छे बन के निकल रहे हैं। और इसके पहले मैंने एक से दो बार इसकी हार्वेस्टिंग भी ले ली है, तो ऐसा कैसे हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको दिखाऊँगा कि किस पॉट पर लगा है, इसकी फर्टिलाइजेशन क्या क्या है जो मैंने की, और वाटर रिक्वायरमेंट कैसी होती है, लाइटिंग कंडीशन कैसी रखनी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो पर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इस बीन्स की, तो वैसे ये ग्रीन कलर में भी आती है और ये रेड कलर की भी है। इसके पहले मैंने दोस्तों इसमें ग्रीन वाली लगा चुका था, तो मैंने सोचा कि इस बार अब थोड़ा चेंज किया जाए, इस बार थोड़ा सा ग्रीन लगाई जाए। तो अभी जो विंटर स्टार्ट हो रही धीरे धीरे, तो अब जो है इसकी थोड़ा सा लीफ ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही है, लीफ काफ़ी बार गिर जाती है इसकी। और क्या होता है जब ये फ्रूटिंग में रहता है ना, तो मैं इसमें थोड़ा सा वाटरिंग भी कम करता हूँ। एक चीज़ आपको भी करनी है, अगर कोई भी फ्रूट्स जब आप लगाए हैं या वेजिटेबल अगर थोड़ा सा भी इसमें फ्रूट्स बनने लगे हैं, काफ़ी क्वांटिटीज़ में अगर आने लगे हैं, अपने अच्छी फर्टिलाइजेशन की है, तो थोड़ा सा उसको पानी का ध्यान रखना है आपको। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग करने से क्या होता है, फिर फूल उसका झरने लगता है, अगर फूल ही गिर जाएगा तो फिर वहाँ पे फ्रूट नहीं बन पाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो इस कारण से भी हो सकता है कि कई बार मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ उतना, और जो इसके वाटरिंग है वो कमी हो जाती है, अंडर वाटरिंग हो जाती है। पर फिर भी जो है मैं इसको इतनी केयर करता हूँ कि ये अच्छी तरीके से चल रहा है। और अभी भी कुछ दिनों पहले मैंने इसकी थोड़ा सा ट्रिमिंग वगैरह भी की है, तो इस कारण से भी थोड़ा सा लीफ कम दिख रही हैं, और असर तो रहता ही है दोस्तों विंटर्स का थोड़ा बहुत। तो बेसिकली मैं बात करता हूँ इसके पॉट की सबसे स्टार्टिंग से। तो देखिए, मैंने ये जो बकेट आती है ये ख़राब हो गई थी घर पर, तो DIY मैंने इसको बना लिया है। तो नॉर्मली ये मैं कहूँगा कि 10 इंच पर ही लगी हुई है, और साथ ही में इसमें दोस्तों एक हाइबिस्कस भी लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो दो प्लांट लगे हैं इसमें, और यहाँ पर जो बेजल भी लगे, बेजल का प्लांट है, तुलसी का प्लांट है। तो ऑलमोस्ट 3-3 प्लांट लगे हैं, फिर भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। और यही देखने वाली बात है, क्योंकि बेसिकली 3-3 प्लांट्स रहते हैं, तो 3 अलग प्लांट्स को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स फिर लेने लगता है एक ही जगह से, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस पे लगा है, लिमिटेड सॉइल मिक्सचर है। तो फिर उसका जो है आप देख ही सकते हैं कि अगर ये अच्छा नहीं होता, इसके अंदर मिक्सचर अगर अच्छा यूज़ नहीं किया होता, तो इतनी अच्छी ये फ्रूटिंग में नहीं आता। बेसिकली इस प्लांट को दो थोड़ा सा आपको सपोर्ट देना पड़ता है, जैसे कि आपने देखा मैंने इसको माउंट किया हुआ है रस्सियों के थ्रू, तभी ये ऊपर जा पाता है, अपने आप ही नहीं चढ़ पाता। जैसे आप कंपेयर करेंगे दूसरे प्लांट्स में, तो रिंग्स या कॉइलिंग बनाते हैं, बट इसमें नहीं हो पाती है। तो मेन जो है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, फर्टिलाइज़र जो है मैं नॉर्मल ही फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, इसमें ऑर्गेनिकली यूज़ करता हूँ, केमिकल तो बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि एडेबल होती हैं। और अगर आप फ्लावर वगैरह लगाते हैं तो आप केमिकल्स में जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको यूज़ करना है एक्सटर्नली। पर वेजिटेबल्स की बात करें या फ्रूट्स की, तो आप उनको खाते हैं, उसके बाद अगर केमिकल आपको यूज़ की करके इनकी जो है अच्छी फ्रूटिंग पानी है, तो फिर आप मार्केट से ही लेके आ सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। क्योंकि मार्केट में भी जनरली जब आते हैं सारे केमिकल से ही बन के आते हैं, तो अगर आप घर पर अपने ग्रो कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक वे में ग्रो कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। और आप अगर उसे देखेंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, अगर आप कंपेयर कीजिएगा कभी केमिकल से और ऑर्गेनिक वे में ग्रो करके देखिएगा, तो दोनों में थोड़ा सा टेस्ट का फ़र्क देखने के लिए मिलेगा आपको। तो जनरली मैं इसमें जो है हर 15-20 दिन में एक बार क्या करता हूँ, काउडंग कंपोस्ट का जो मैं टी फर्टिलाइज़र बोलता हूँ ना, जो टी कंपोस्ट बोलता हूँ, वो डालता हूँ मैं इसमें। मैंने उसकी वीडियो आपके साथ शेयर भी की है कई बार, तो वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है इसके लिए, तो काफ़ी नाइट्रोजन उसमें मिल जाती है प्लांट्स को, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा बोन मील भी यूज़ करता हूँ, बोन मील भी ऑर्गेनिकली है, और सरसों की खल कभी कभी डाल देता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता हूँ हर 15-20 दिन में, हर बार मैं दूसरी ही खाद का यूज़ करता हूँ, ताकि हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते रहें। और कुछ न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होती है, तो फिर मैं इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज़ कर लेता हूँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट मेरे पास सीवीड एक्सट्रैक्ट है लिक्विड वाला, तो फिर मैं वो डाल देता हूँ। तो यही कुछ ऐसे घर की चीज़ें हैं यूज़ करते हैं, जैसे लीफ कंपोस्ट वगैरह बन जाती हैं मेरे घर पे ही, तो फिर वो यूज़ कर लेता हूँ। जनरली अभी आप देख रहे होंगे कि जो इसका सॉइल का कलर आपको दिख रहा होगा, एकदम ब्लैक सा दिख रहा होगा, क्योंकि मैं इसमें काउडंग कंपोस्ट ही यूज़ करता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये काउडंग कंपोस्ट से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। और मैं बात करूँ इसमें
इसकी लाइटिंग कंडीशन की, तो देखिए लाइटिंग कंडीशन का तो आपको बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं होता है दोस्तों, अगर आप उसे लाइट अच्छी नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो फ्रूटिंग आना बिल्कुल ही मुश्किल है। आप शेड वाली जगह पर रखेंगे, प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, ग्रीन बना रहेगा, बट उसमें कभी फ्रूटिंग नहीं आ पाएगी। तो फ्रूट्स पाने के लिए दोस्तों उसमें आपको थोड़ा सा सनलाइट का ऐसा रखना है कि मॉर्निंग की सनलाइट अगर इसको मिल जाती है 4 से 5 घंटे भी, और अगर ये फिर इनडायरेक्ट सनलाइट पे चला जाता है तो किसी शेडी एरिया में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग की सनलाइट इसे मिल जाती है उसके लिए सफिशियंट है। बात करूँ मैं वाटरिंग की, तो वाटरिंग देखिए दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे करना है जब फ्रूट्स आते हैं। वैसे आप अगर रेगुलर, आपका प्लांट अगर मैच्योर हो गया है और काफ़ी जल्दी से ड्राई हो जाता है, तो आप थोड़ा सा चेक करके डालिएगा वाटर को, आप थोड़ा चेक करेंगे तो उससे क्या होगा कि ओवर वाटरिंग किसी भी हाल पर नहीं हो पाएगी और आपकी रूट रॉट का भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आगे चल के। तो थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से आप इसे डिप करके चेक कर लिया करिए, फिर ही वाटरिंग कीजिएगा। विंटर्स में जनरली 102 दिन कुछ प्लांट्स में ऐसे होते हैं कि जो मैच्योर काफ़ी नहीं होते हैं, तो उसमें जल्दी से पानी उनका इवेपोरेट नहीं हो पाता है, इस कारण से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्लांट्स को चेक करके पानी दीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें पेस्ट वगैरह की, तो देखिए जनरली मेरे को इस प्लांट में आज तक जो है मिली बग्स और ब्लैक बग के अलावा और कोई दूसरे पेस्ट देखने के लिए नहीं मिले, जैसे कई बार स्पाइडर माइट वगैरह लग जाती हैं इस प्लांट में, तो इसमें ब्लैक बग का तो कुछ ज़्यादा ही से अटैक होता है, तो मैं उसको भी ऑर्गेनिक वे में ही ट्रीट करता हूँ। मेरे पास नीम ऑयल है तो मैं उसका स्प्रे कर देता हूँ, जैसे अपने प्लांट्स पे देता रहता हूँ तो इसमें भी दे देता हूँ, तो उसको भी मैं 20 से 25 दिन में एक बार स्प्रे कर देता हूँ, तो बिल्कुल हेल्दी बने रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो किसी भी आपको फ्रूट्स में, लीव में आपको कहीं भी पेस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस प्लांट में थोड़ा सा ग्रो करते हैं पेस्ट, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिली बग भी कई बार लग जाते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो चींटियाँ रहती हैं वो भी उसमें प्लांट्स में लग जाती हैं, फिर उन्हें खाना स्टार्ट कर देती हैं धीरे धीरे, तो वो सारी चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उनसे ट्रीटमेंट के लिए आपके पास अगर नीम नहीं है ऑयल, तो आप क्या कर सकते हैं, नीम वाटर का जो लीव रहती है नीम की, उसकी पत्तियों को आप थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए, जब उसका कलर आ जाएगा उतर के, तो ठंडा होने के बाद आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं प्लांट में, वो भी वैसे ही काम करता है नेचुरल पेस्टिसाइड जैसा। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें यूज़ करता हूँ, याद आ गई तो आपको बता देता हूँ, कि जो टी फर्टिलाइज़र होता है ना अपने घर पर, जो चाय पत्तियाँ निकलती हैं, और चाय पत्तियाँ निकलने के बाद उसको अच्छी तरीके से मैं वॉश करके सुखा के एकदम सन ड्राई करके फिर यूज़ करता हूँ इस प्लांट में, तो क्या होता है कि ऑर्गेनिकली वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है एज अ NPK, तो आपकी जो सॉइल मिक्सचर है उसको काफ़ी रिच बनाता है, साथ ही में थोड़ा सा एसिडिक भी बनाता है, जो फ्रूटिंग और फ्लॉरिंग के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। तो ये एक आप हैक कह सकते हैं मेरा, और सीक्रेट भी कह सकते हैं, तो वो मैं इसमें यूज़ करता हूँ, जिस कारण से मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे बॉटल ग्राउंड का ये प्लांट है, यानी कि लौकी का, तो देखिए छोटा सा ही प्लांट है पर इसमें फ्रूटिंग कितनी अच्छी आ रही है, यहाँ पे भी आपको देखें नए बड्स दिख रहे होंगे, तो मैं जनरली यही फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ। सो यही इसकी कुछ बेसिक टिप्स एंड केयर्स रहती हैं। आई होप मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर की हैं आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ कवर कर ली हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपने प्लांट्स पे, और इतनी अच्छी फ्रूटिंग्स आ रही हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आने वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। जिनके पास ऐसे प्लांट्स हैं और लगाना चाहते हैं तो उनके पास तक भी ये वीडियोज़ जानी चाहिए, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जो भी प्लांट्स लवर हैं या वेजिटेबल अपने गार्डनिंग करते हैं, तो आप उनके तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।